सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की सच्चाई। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और भोपाल जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। भोपाल शहर की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 95,64,817 है और भोपाल जिले की कुल जनसंख्या 23,68,145 है, जिसमें करीब 56% हिंदू, 40% मुस्लिम है और पुरुषों की संख्या 12,39,378 तथा महिलाओं की संख्या 11,28,767 है। कुल साक्षरता 82.26% है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश भोपाल की सच्चाई। तो दोस्तों, भोपाल को जनपद का प्रशासनिक मुख्यालय भी कहा जाता है और भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई छोटे छोटे और बड़े बड़े तालाब हैं। और यह नगर अचानक चर्चा में तब आ गया जब 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भोपाल शहर के आवागमन के बारे में। तो भोपाल का राजा भोज हवाई अड्डा शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है और दिल्ली, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, रायपुर से यहां के लिए एयर इंडिया एवं अन्य निजी एयरलाइंस कंपनियों की नियमित उड़ान सेवाएँ हैं। सड़क मार्ग की बात की जाए तो सांची, इंदौर, खजुराहो, पचपड़ी, जबलपुर आदि शहरों से आसानी से सड़क मार्ग से भोपाल पहुंचा जा सकता है, जिसके लिए नियमित बसें चलती है। और दोस्तों, भोपाल का रेलवे स्थानक देश के विविध रेलवे स्थानकों से जुड़ा हुआ है। यह रेलवे स्थान भारतीय रेल के दिल्ली चेन्नई मुख्य मार्ग पर पड़ता है। शताब्दी एक्सप्रेस भोपाल को दिल्ली से जोड़ती है। साथ ही यह शहर मुंबई, आगरा, ग्वालियर, झांसी, उज्जैन, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि शहरों से अनेक रेलगाड़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं भोपाल शहर की कुछ रोचक जानकारियाँ। तो दोस्तों, भोपाल शहर में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल का एक कारखाना है और हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने अपना दूसरा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यहां स्थापित किया है। और भोपाल में ही भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी है, जो भारत में वन प्रबंधन का एकमात्र संस्थान है। साथ ही भोपाल उन 6 नगरों में से एक है जिनमें 2003 में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया था, जो कि वर्ष 2015 से कार्यशील है। इसके अतिरिक्त यहां अनेक विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इसके अतिरिक्त अनेक राष्ट्रीय संस्थान, जैसे कि मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी तथा अनेक शासकीय एवं पब्लिक स्कूल हैं भोपाल शहर में। पर्यटन स्थल की बात की जाए तो भोपाल शहर में छोटा तालाब, बड़ा तालाब और भीम बैठिका अभ्यारण्य, शहीद भवन तथा भारत भवन देखने योग्य हैं। भोपाल के पास स्थित है सांची का स्तूप, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जो कि यूनेस्को द्वारा संरक्षित है। भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर मंदिर है, जो कि ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। भेल स्थित मंदिर बरखेड़ा का एक प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है।
और दोस्तों, भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक ताजुल मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण कार्य भोपाल की 8वीं शासिका शाहजहां बे सिकंदर बेगम के शासनकाल में हुआ था, जो एक आकर्षण का केंद्र। तो दोस्तों, देखा जाए तो भोपाल शहर में बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जिसमें सौर स्मारक, बोट क्लब, भारत भवन, भीम बैठिका आदि हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ भोपाल शहर के गंदे स्थानों के बारे में बताता हूँ, जो रेड लाइट या रेड जोन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, भोपाल शहर का एमपी नगर और चुनार गार्डन एक फेमस पर्यटन स्थल है, लेकिन ये रेड लाइट एरिए के रूप में भी विख्यात है। तो गाइज, ये थी आज की मेरी ब्लॉग वीडियो झीलों की नगरी भोपाल शहर। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़बरदस्त लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।